बिहार में लगातार गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर 15 दिनों में तीसरी बार समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी राज्य में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे कि सीएम को भारी फजीहत झेलना पड़ रहा है। इस बीच अब डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बढ़ते क्राइम को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी कोटा से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रेणु देवी से जब बढ़ते क्राइम को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद छोटा और दिलचस्प तौर पर सामने आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं और हम उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। इस एक लाइन के बयान के अलावा डिप्टी सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल प्रदेश से बीजेपी कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से डिप्टी सीएम रेणु देवी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पश्चिम बंगाल में हो रही सियासत को लेकर ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला बोला है।